हम जो जवाब देंगे हम मानेंगे उसको, हम चाहेंगे अभ्यर्थी का भविष्य पढ़ता है, कोचिंग करता है, पैसा खर्च होता है, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। पर जिस प्रकार से पेपर आउट हो रहे हैं, सरकार की तरफ से, एसओजी की तरफ से कोई कमी रही हो उसकी आप हमें बताएं, हम उसको दूर करेंगे। इतना बड़ा इश्यू है, आज ऐसा सब बदल गया कि हमारे कुछ साथी तो बेरोजगारों को लेकर के आंदोलन करने लग जाते हैं, नौकरी देने के लिए भड़काते हैं। वो कब पढ़े करेंगे? सड़कों पे अगर आएंगे वो लोग तो पढ़ाई कब करेंगे? वो लोग बच्चे कब पढ़ाई करेंगे? बच्चों को तो कोई नेता मिलना चाहिए, कुछ शुरू हो जाते हैं। ये स्थिति राजस्थान बनी है। नेता हमारे राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट लेके बैठे हुए हैं, डरने में लोगों को क्या दुख है। सरकार ने कोई कमी रखी है? सीबीआई क्या कर लेगी जांच करके? सीबीआई ने कोई जांच पहले भी की है क्या? कितने राज्यों में सीबीआई जांच दी गई है? और तो और यूपी के अंदर तो जो एजेंसी ने मना कर दिया कि हम तो पेपर हाथ ही लगाएंगे, पेपर लेंगे ही नहीं, हम तो एग्जाम नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम चल रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस पे पक्ष विपक्ष सब मिलकर के तय करें कैसे हमें कमेटी बनाना पड़े। अध्यक्ष महोदय आपकी भी इच्छा थी, कमेटी बने, कुछ भी बने, हमें मंजूर है, पर किसी भी कीमत पर पेपर आउट नहीं होने चाहिए। ये हमारा सुनिश्चित दृढ़ निश्चय है। उसको हम चाहेंगे कि हम उसको आपको बताएं कि भविष्य में पेपर लीक नहीं हो, इतना हम आप सबका सहयोग चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के कामों से इतने बौखलाए हुए हमारे नेता प्रतिपक्ष भी और तमाम साथी, क्योंकि इनकी लगातार जो परफॉर्मेंस है स्टेट गवर्नमेंट की, वो तारीफ के काबिल है। कोरोना के बावजूद भी आपने कोरोना की तारीफ नहीं करी। अरे केरला के अंदर तो हम हिंदुस्तान में नंबर वन है कोरोना के मैनेजमेंट के अंदर। हमें आप सबका सहयोग मिला उसके अंदर, धर्मगुरुओं का मिला, आम जनता का मिला। आपको याद है मैंने 200 मेंबर पार्लियामेंट से बात करी थी, उस वक्त मुझे गर्व है, सबने साथ दिया। परफॉर्मेंस बीट वाला मॉडल पूरे देश दुनिया में चला गया। बाकी क्या हुआ उसके बाद में, उसके लिए आपके मुंह से एक तारीफ एक शब्द नहीं आया। केरल के अंदर तो सरकार रिपीट इसलिए हो गई कि वहां का कोरोना मैनेजमेंट भी अच्छा शानदार रहा उनके हिसाब से। हम उनसे कम नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो केरल में हुआ वही राजस्थान में होगा, सरकार रिपीट हमारी होगी। कोरोना के मैनेजमेंट में ऑलरेडी गेम चेंजर होगा, आप देखेंगे। कोई कम मेहनत नहीं की हम लोगों ने, किस प्रकार मैनेजमेंट किया, डॉक्टर जानते, नर्सें जानती है, राजस्थान के लोग जानते हैं, जो तकलीफ में आए थे, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी हम लोगों ने, इतना दबाव रखा हमने केंद्र सरकार पे भी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी और गर्व होगा, आज इन सब स्थितियों के बावजूद भी आर्थिक स्थिति सुधरती जा रही है, उसके कारण आज हम देश के अंदर GDP के अंदर नंबर 2 पे आ गए हैं। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और नंबर 2 राजस्थान है देश के अंदर, मैं गर्व से कह सकता हूँ 11.04%, जबकि आपके शासन के अंदर 18-19 के अंदर आप लोग 2.0